इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मतलब बीजेपी का कहीं ना कहीं इसमें डर है, पूरा डर है। अभी उन्होंने तो जय वहाँ जो अपना कार्यकाल जो आई एस अफसर के हाथ में ले दिया, केंद्र सरकार के हाथ में रखी नगर निगम और दिल्ली सरकार से बिल्कुल दाता ही तोड़ दिया। सर जानना चाहेंगे केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके ऊपर हमला हुआ है? नहीं, उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि आपकी जो मूवी है तो आप कश्मीर वाइल्ड टैक्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक को जाते ज़्यादा दिखाना चाहते हैं पीछे बांट रहे हैं तो इससे चलो यूट्यूब पर जाकर तो नहीं कर दो, सब पब्लिक देखेगी, उसमें क्या गलत बोला हूँ। तो सर जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर पे हमला हो सकता है तो क्या आपको लगता है देश की जनता सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है, तानाशाही की सरकार है, तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं है, लोकतंत्र खत्म है। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है? पूरी तानाशाही चल रही है, पूरा राज चल रहा है, चल रहा है। कितना जनता जागरूक हो पाई है, जनता कितना जागरूक हो पाई है आज प्रदर्शन से? देखिए तो जनता के ऊपर है, हमारा काम है कि जनता को जागरूक करना, उन्हें सच्चाई दिखाना, बाकी ये तो जनता के ऊपर है कि वो कब जागरूक होती है, वो अपना रिजल्ट जो इलेक्शन में दिखाएगी। आज इस प्रदर्शन में सर कितने लोग जुड़े आपके साथ? इस प्रदर्शन में आज हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हैं, जैसे कि आपने वीडियो कवरेज भी कराया है। तो ये प्रदर्शन था या फिर केजरीवाल का बदला लेने के लिए प्रदर्शन किया गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ यही केजरीवाल जी का बदला ले रहे हैं, ये तो बीजेपी सरकार को जगाना चाहते हैं कि आम पब्लिक के जो बहुत नाराज और परेशान है पानी लो भाई उनकी तानाशाही से। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो दिल्ली के अंदर हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल की सरकार है और जो दिल्ली पुलिस आती है वो केंद्र के अंदर आती है, तो ये केंद्र का फर्ज बनता है कि दिल्ली के अंदर ऐसा पंगा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार है जो आम आदमी पार्टी से केजरीवाल से डरी हुई है, क्या इसको पंगा करके इसको यहीं के ही दबा दिया जाए? कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का भी डर बता रहे हैं। नहीं, दिल्ली पुलिस से ने तो कराई है सारा, अगर दिल्ली पुलिस नहीं चाहती ना तो पंगा नहीं हो सकता था, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के ऊपर है, केंद्र जो चाहेगा वो काम होगा। आप ये मान लो दिल्ली पुलिस मिली होगी, मिली हुई है, अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो नहीं होता, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के और अमित शाह के अंदर में आती है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस को चलाते हैं और ये उनकी सोची समझी साजिश थी जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर पर हमला हुआ है। जब इस देश में एक सीएम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है, हम तो ये बात कहना चाहते हैं। सर क्या आने वाले चुनाव में असर देखने को मिलेगा? आने वाले चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा, आम आदमी पार्टी हरियाणा में सारे चुनाव जीतेगी, जिस तरह आपने देखा होगा पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में 3 बार सचिव मुख्यमंत्री ने कब्जा किया है, उसी प्रकार हरियाणा में कब्जा करेगी आम आदमी पार्टी। नगर निगम में ये प्रदर्शन कारगर साबित होगा सर पार्टी के नेतृत्व में? आज हम ये विरोध प्रदर्शन पुतला फूंकने के बाद इसे समाप्त कर देंगे, हम अपना विरोध करते हैं और ये इस आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर ये सरकार इस तरीके से अपना रवैया, अगर ये बौखलाहट है आम जनमानस ने पंजाब में जो अभूतपूर्व समर्थन दिया उसे देख के आप बौखला रहे हो, जनता रोड पे आ चुकी है, आम आदमी पार्टी के साथ लाखों की तादाद में रोज आदमी जुड़ रहा है, समूचे हरियाणा में सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में उन्होंने मिशन हरियाणा पे काम शुरू कर दिया और निरंतर रोज हमारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है, इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है।
सर एक जो नारा चल रहा है एमसीडी में भी केजरीवाल, तो क्या आपको लगता है ये नारा सफल हो पाएगा? रूप से एमसीडी में भी केजरीवाल, हरियाणा में भी केजरीवाल, पूरे हिंदुस्तान में भी केजरीवाल, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल जी, हर राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा निश्चित रूप से सभी। बिल्कुल आज ये पुतला फूंक के बीजेपी वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आज ये पुतला फूंक के बीजेपी वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी वालों को संदेश देना चाहते हैं कि आम जनमानस के लिए इतनी चिंता करने वाले मुख्यमंत्री के घर पे जाकर जो आपने तोड़फोड़ की है, बैरिकेड तोड़ दिए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, शर्म की बात आनी चाहिए। आज इस सरकार में मुख्यमंत्री सुरक्षित रही है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? इनको कह रहे हैं या तो बाज आ जाओ, अगर ये बाज नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पूरा समूचा देश सड़कों पर उतरेगा और इनको कानून व्यवस्था सिखा देगा। क्या लगता है आज की समाज को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं सर? आज की आवाज को हम देश के हर आम नागरिक तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या, एक आम आदमी की हत्या है। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या निरंतर करते जा रहे हैं, ये तानाशाही रवैया अब नहीं चलेगा। आम आदमी जाग चुका है और मैदान में आ चुका है, आम आदमी की यही पुकार है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार और हर जगह केजरीवाल जी का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए बीजेपी वाले बौखला गए और इस तरीके की गलत हरकत कर रहे हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आम आदमी पार्टी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका पुतला अंबेडकर चौक पर फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन करती है। आम आदमी पार्टी इस तरीके से आगे गरीबों और आम आदमियों पर अन्याय नहीं सहन करेगी। तो सर एक वो दिन था जब बीजेपी ने चुनाव को आगे बढ़ाते हुए उस दिन केजरीवाल जी ने कहा था कि आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा दिन माना जाएगा, तो क्या आप कल के दिन को भी लोकतंत्र की हत्या का दिन मानते हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है। मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार ऐसे गुंडों की सरकार को केजरीवाल जी जो ऐसी सरकार को पूरे देश में ला सकते हैं और हटा सकते हैं, ठीक है? और ऐसी सरकार हमारे देश में हमारे को नहीं चाहिए जो जहाँ पर सीएम सुरक्षित नहीं है वाली पार्टी, तो आम जनता का खेल खत्म होने जा रहा है। बस मैं इतना ही, इनके कार्यकर्ता स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने हरियाणा में जो सत्ता में बैठी है बीजेपी और जेजेपी, भाई दुष्यंत चौटाला और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, हमें भाई दोनों से सिर्फ यही चीज पूछना चाहता हूँ कि खट्टर साहब तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो हरकत कल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की है आज उसी के लिए हम इकट्ठे हुए, रोशनी दिखाने के लिए। क्या ये हरकत अच्छी हरकत थी? अरे वो क्या सोचते हैं कि केजरीवाल जी को घर पे घुस के मारेंगे? अरे केजरीवाल तो हर आम आदमी के दिल में बसता है, केजरीवाल अब विचारों की परछाई बन चुका है। पकड़ो इस परछाई को, पकड़ो इस आम आदमी की परछाई को, पकड़ के दिखाओ, केजरीवाल तो परछाई बन चुके हैं, उस परछाई से आदमी डरेगा? अरे भूल जाओ, गए वो दिन, अच्छे दिन अब आएंगे। तुम अच्छे दिनों की क्या बात करते थे, अच्छे दिन तो अब आएंगे, भूल जाओ। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, भाजपा होश में आओ, आज के समय में होश में आओ भाजपा होश में आओ। सर आज के समय में दिल्ली के सीएम पर अगर जो खतरा मंडरा रहा है, क्या लगता है जो आम आदमी होता है, एक नागरिक होता है, कार्यकर्ता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है जब एक देश का दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसके साथ ही हरकत होगी तो आम आदमी के दिल में क्या भय होगा? लेकिन ये आम आदमी की पार्टी आज ये वो पार्टी है कि जिसके अंदर अब ये शेर जाग चुका है, अब आम आदमी इन इधर बक्तियों से घबराएगा नहीं। आज वो जमाना आ चुका है, मुकाबला करेंगे आंख में आंख डाल के। तो वो टाइम चला गया अमित शाह जी जब आप घर में घुसते थे और आम आदमी से डरते थे, आज सामने आओ आम आदमी के तो पता चले आम आदमी की क्या ताकत है। क्या लगता है जितना कितनी जागरूक हो चुकी है जनता, क्या चुनावों में सर देखने को मिलेगा इन सब बातों का? चुनाव में सर 101% देखने को मिलेगा। अब देखना आप, ये सरकार आम आदमी की, हरियाणा में आम आदमी की सरकार बनेगी जिस तरह से पंजाब में सरकार बनी है, उसी तरह हरियाणा में भी आम आदमी की सरकार बनेगी और सारे मेयर पद और 45 के 45 पार्षद इस बार आम आदमी के चुन के फरीदाबाद में आएंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी है, एमसीडी में चुनाव नहीं करा रही है, फरीदाबाद के एमसीएम के चुनाव नहीं करा रही है, सरपंचों के चुनाव नहीं हो रहे, क्यों? उसे पता है कि उसने कोई काम नहीं किए हैं और एमसीएम में इतना भ्रष्टाचार फरीदाबाद नगर निगम ने कर दिया, इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए, इसलिए आम आदमी मन बना के बैठा है, आम आदमी निराश है, अपना गुस्सा निकालेगा झाड़ू का बटन दबाकर और भ्रष्टाचार का सफाया करेगा, झाड़ू चला देगा वार्ड से लेकर राष्ट्र तक, झाड़ू चलेगी इस बार, झाड़ू चलेगी। सर क्या कहना चाहेंगे? सर कहना क्या जी,
जो एक हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। गलत इसलिए कहूँगा जो हमारे राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जी के घर पर जो हमला हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है। निंदनीय इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस मामले पर लेके हादसा हुआ है एक शर्मनाक करते हैं। कश्मीर फाइल के लेके जो हमारे माननीय केजरीवाल जी उन्होंने कहा था इसको टैक्स फ्री करने की बजाय यूट्यूब पर डाल दी जाए जिससे हर घर तक वो हर व्यक्ति उस फिल्म को देख सके जो फ्री में देख सके। क्योंकि पैसा होता है टैक्स का पैसा हो आम आदमी का पैसा हो आपका पैसा होता मेरा पैसा होता उस पैसे को अगर शिक्षा पे लगाया जाए स्वास्थ्य पे लगाया जाए। सर विपक्षी पार्टी का आरोप है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार जो विज्ञापनों पर खर्चा नहीं करती करोड़ रुपए वो क्यों नहीं यूट्यूब पर डाल देती। बात ऐसी है जो विज्ञापन में बिना प्रचार बिना आपका परिचय जानेंगे पार्टी में अभी पृष्ठभूमि क्या है। मैं नितिन राजपूत वार्ड नंबर 42 से और बल्लभगढ़ विधानसभा का यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ। 2019 से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। प्रदर्शन क्या गया है इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम दिल्ली से हैं उन पर एक हमला किया गया है क्योंकि भाजपा की उन पर हमला किया गया है या उनके घर के बाहर हमला किया गया है। उनके घर मतलब उन पर हमला किया गया है तो फ्री कलाम था ना सारा। किन पर आरोप लगाते हैं आप। सीसीटीवी में साफ साफ दिखाया गया है भाजपा के बंदे थे जिन्होंने इस पर हमला किया है। क्या उनकी मंशा थी इस बारे में कुछ व्यक्त करेंगे। बिल्कुल मंशा थी तभी आगे किया है पहले क्यों नहीं किया। ये पंजाब के इलेक्शन के बाद बौखला गए हैं वो बौखलाहट इनकी दिख रही है। हिटलर राजनीति हम लोग तो चलने नहीं रही है क्योंकि ये हिटलर राजनीति चलाना चाहते हैं उसी के अगेंस्ट हमने पंजाब में इलेक्शन जीता और आगे हरियाणा में भी हम पूरी तैयारी से। तो आपको क्या लगता है इस चीज इन चीज़ों का असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा जनता जनार्दन होती है जनता सब देख रही है अब कोई बेवकूफ नहीं बैठा है। अनपढ़ लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है पढ़े लिखे आएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे।